Hey guys, I'm Saurabh Bhatt. Welcome to Techie Bande. दोस्तों आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी और सारी वीडियोस में जो अनबॉक्सिंग वाली वीडियोस होती हैं वो भी आपने देखी होंगी। तो उन अनबॉक्सिंग वीडियोस में हमने देखा होगा कि वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नए होते हैं। एक्चुअली क्या है कि वो सारे प्रोडक्ट्स रिव्यू पॉइंट्स में देते हैं, तो वो अनबॉक्सिंग करते हैं रिव्यू पॉइंट, वो अपना रिव्यू देते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन देते हैं। तो उस टाइम क्या है कि वो अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताएंगे और नया प्रोडक्ट है तो अच्छा आपको भी अट्रैक्टिव लगता ही है। लेकिन दोस्तों असली प्रोडक्ट कैसा होता है उसको यूज करने के बाद ही पता चलता है। तो मैं आज अपने HP लैपटॉप 15PW0X के बारे में रिव्यू करने वाला हूं और मैं इसको रिव्यू करूंगा इसको 2 साल यूज करने के बाद। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका रिव्यू किस तरह से होने वाला है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, उस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। क्योंकि मैं अपने लैपटॉप के बारे में सब कुछ सही सही बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपको मदद कर सकता है अपने लैपटॉप परचेज करने के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसकी बात करते हैं फिजिकल अपीयरेंस की। तो अब ये जो ऊपर बॉडी दी गई है ये टेक्सचर्ड दी गई है, आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा हो। तो ये जो बॉडी है वो टेक्सचर्ड दी गई है और यहाँ पे ये HP का लोगो बना हुआ है। तो आपने इसका अपर बॉडी टेक्सचर देख लिया है। अब मैं इसके पोर्ट्स के बारे में दिखाता हूँ कि इसे किस तरह के पोर्ट्स हैं। तो अगर बात की जाए लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे मिल जाता है एक चार्जिंग पोर्ट और एक कूलिंग फैन और यहाँ पे लैन वायर और HDMI केबल, मतलब HDMI पोर्ट, और यहाँ पे 2 USB पोर्ट और एक ईयरफोन जैक। और यहाँ पे बात किया जाए अगर राइट साइड की, तो यहाँ पे भी आपको एक SD कार्ड लगाने के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे एक और USB पोर्ट मिल जाता है लगाने के लिए। और यहाँ पे एक DVD ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं आप और एक लॉक करने का सिस्टम होता है। और यहाँ पे कुछ इंडिकेशन मिल जाते हैं कि यहाँ पे आप LED लाइट्स मिल जाती है कि SD कार्ड लगा है कि नहीं, नोटिफिकेशन लाइट जिसको कहते हैं उन्होंने, यहाँ पे चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही, यहाँ पर भी मिल जाता है पावर ऑन है कि ऑफ है और यहाँ पे भी चार्जिंग ऑन है कि ऑफ है, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे मिल जाती है आप लोगों को। और बैक साइड अगर देखा जाए तो बैक साइड सिंपल सा लुक है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा खास नहीं है लुक, बस सिंपल यहाँ पे कुछ एयर पास होने के लिए कुछ होल्स बना दिए गए हैं। और आगे की साइड को 2 स्पीकर यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पे ये जो रबड़ लगी हुई है इसके थ्रू आप लोगों को अच्छी नॉइस जो है, इसका जो साउंड है अच्छे तरीके से आपको मिल जाता है। और अब मैं अगर बात करूँ उसके स्क्रीन की, तो ये रही इसकी स्क्रीन, नॉर्मल सी स्क्रीन है, बट यहाँ पे पहले कीबोर्ड देख लीजिए आप, क्योंकि मैंने इसका एंगल अभी कीबोर्ड की टाइप तरफ किया हुआ है। एक बार इसके ऊपर से ओवरलुक दे रहे हैं इसके हम एंगल के कीबोर्ड के लिए। तो यहाँ पे इसका ये पावर ऑन ऑफ बटन दिया गया है यहाँ पे, और बाकी इसका जो टेक्सचर देख रहे काफी प्रीमियम लुक देता है मुझे, काफी अच्छा लगता है इसका, अट्रैक्टिव लुक लगता है मुझे कीबोर्ड का। और इसके बटन्स की भी जो साउंड है बहुत ही अच्छी दी गई है, तो काफी मजा आता है टाइपिंग करने में, गेम्स खेलने में। और यहाँ पे कुछ इस पे HP के जो है मार्क्स दिए गए हैं और उसमें नंबर्स दिए गए हैं कस्टमर के, और उसका जो माउस बटन की पैड में भी इसी तरह की प्रीमियम लुक दी गई है, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि माउस लोकल है या फिर अलग से लगाया गया है। काफी अच्छी तरीके से फिनिशिंग दी गई है इसको, माउस को यूज करते वक्त भी काफी अट्रैक्टिव होता है। और यहाँ पे इसका AMD रेडियन का जो है ग्राफिक जो है दिखाया हुआ है कि प्रोसेस जो लगा हुआ है AMD रेडियन का, तो वो भी चीज भी दिखाई गई। चलिए इसको हम लोग स्क्रीन दिखाते हैं, इसकी 15.6 सेंटीमीटर की स्क्रीन है इसकी, इंच की। तो अब मैं इसको चलिए ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब इसको ओपन करते हैं। इसका मैंने पावर ऑन ऑफ बटन खोल दिया, जो मैंने इसको लगाया हुआ है अपने गोरिल्ला फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड में, इसको मोबाइल को लगाया हुआ है। तो अगर जिसने मैंने वीडियोस नहीं देखी है उस ट्राइपॉड वाली, तो उसको भी आप लोग देख लें। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और उसको अनलॉक करते हैं, इसका पावर ऑन ऑफ बटन ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी जल्दी ओपन होता है और क्या इसमें फीचर्स हैं। तो काफ़ी जल्दी इसमें दिखा रहा है, काफ़ी सही तरीके से इसको ओपन हो रहा है, अभी लोडिंग चल रही है। चलिए दोस्तों मैं इसका पासवर्ड इसे अनलॉक कर देता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ उसके अंदर के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे नॉर्मल सी अपनी हर दी विंडो 10 डली हुई है। चलिए मैं उसको विंडो दिखा देता हूँ, विंडो 10 प्रो डली हुई है। इसका प्रोसेसर देखिए AMD 9420 रेडियन R55 कंप्यूट कोर्स 2C+3Z, मतलब कि 2 कोर्स हैं और 3 GHz है। इसमें जो मेमोरी दी गई है इंस्टॉल मेमोरी, मैंने रैम जो लिया था उस टाइम तो 4GB रैम था और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है
और बाकी जो डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे मिलेंगी। सिस्टम इंफॉर्मेशन, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है कि आपका सिस्टम मॉडल कौन सा है, एचपी लैपटॉप 15B00X, और बाकी वर्जन वर्जन सब दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। अब चलते हैं इसकी बैटरी की ओर। तो यहाँ पे जो फुल प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, कुछ भी जो है मतलब वो नहीं है कि, तो मतलब पूरा प्रूफ दे रहा हूँ कि मेरी बैटरी जो जो भी है लैपटॉप की वही सेम दिखा रहा हूँ। डिजाइन कैपेसिटी इसमें दिखा रहे जैसे कि 41610 mAh, और फुल चार्ज कैपेसिटी दिखा रहा है 38281 mAh। तो मोबाइल और लैपटॉप की बैटरी में थोड़ा यही डिफरेंस होता है, वो mAh होती है, यहाँ पे mWh दिखाता है। तो बस यही है इसका लैपटॉप की काफ़ी स्पेसिफिकेशंस। कैमरा इसके ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं लैपटॉप के, तो मुझे ख्याल से आप लोगों को पता होगा कि अलग से एक कैमरा लेना पड़ता है वेब कैम। तो अभी मैं इसको और भी चीज़ें और दिखाता हूँ। तो ये एक्चुअली यहाँ पे गेमिंग का भी दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे AMD रेडियो में यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे गेम्स में दिखाते हैं कि यहाँ आप यार गेम्स यूज़ करिए आप लोग। लेकिन मैं मेरे ग्राफिक कार्ड नहीं लगाया इस लैपटॉप में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और मेरा प्रोसेसर भी इतना 2018 मॉडल का है, अभी तो AMD 10 आ गया है, उससे भी आगे आए होंगे आई थिंक, तो AMD 9 है मेरा। तो थोड़ा बहुत गेमिंग का प्रॉब्लम होती है मुझे। बट हाँ, जिसने भी अभी तक HD क्वालिटी ऑफ ए ग्राफिक कार्ड का यूज़ मतलब एक्सपीरियंस ना किया हो, तो उसके लिए मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया मतलब लैपटॉप है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें रन करते हैं सारे गेम। चलिए मैं आपको यहाँ पे बहुत ही फेमस गेम माफिया 2 आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो जो माफिया 2 है, मानता हूँ यहाँ पे मैंने ग्राफिक कार्ड नहीं लगाए, बट मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है गेम खेलने में, और काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है यहाँ पे। और यहाँ की देख रहे हो आप, यहाँ पे जो भी मैंने कार लेके आया हूँ, बहुत ही तगड़े तरीके से टायर्स के निशान बने हुए हैं, और बहुत ही कूल लुक देता है। काफ़ी अच्छी गेमिंग यहाँ पे स्किल्स आप लोग सीख सकते हो यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे से, और देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से गेमिंग हो सकती है यहाँ पे, जो अपना मस्त दिख रहा है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे गेमिंग चैनल खोलना चाहिए कि नहीं। मेरी गेमिंग स्किल ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट हाँ जितनी है उतनी काफ़ी सही है। और आप लोग देख पा रहे हो कि कितना बढ़िया गेमिंग है यहाँ पे, सनलाइट जो व्यू आ रहा है, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ बहुत ही कूल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे गन शॉट्स मारूँ यहाँ पे किसी को, तो वो बहुत तगड़ा आ रहा है यहाँ पे। हालांकि मेरा सारा बहुत ज़्यादा खराब मुझे लगता है, बट ठीक है। तो चलिए फिर आप लोग थोड़ा सा जो है इस गेमिंग का मजा लें। आई आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता हूँ। अब कुछ लोग होंगे जो मुझे बोलेंगे कि माफिया 2 क्या माफिया 3 खेलना चाहिए था। यार देखो यार, मुझे माफिया 2 और मुझे पुराने गेम में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि नए गेम्स तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें क्या होता है कि आप रैम ज़्यादा अच्छी हो या फिर तभी। ये तो दोस्तों हुई इसके सारे के सारे प्रोस और मतलब एडवांटेज, और जो कि जो है होता है इसकी फीचर्स की, अच्छे अच्छे फीचर्स मैंने उसके बता दिया आप लोगों को। बट इसका मतलब जो मैंने को बताया था आपकी सारी चीज़ें बताऊंगा, इसकी अच्छाई और बुराई दोनों। चलिए अब इसकी बात करते हैं इसकी बुराई के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी लैपटॉप है प्रोडक्ट बेकार नहीं होता है। ऐसी ये जो मेरा लैपटॉप बिल्कुल भी बेकार नहीं है, बस कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं जो लोग देखे होगा अपने गेमिंग लैपटॉप में अपडेट कराते हैं बाद में, या फिर गेमिंग लैपटॉप लेते हैं। तो गेमिंग लैपटॉप और नॉर्मल लैपटॉप में डिफरेंस क्या होता है? पहला डिफरेंस, जैसे कि इसमें SSD ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो उसमें SSD ड्राइव होती है साथ में। तो इसमें अगर SSD ड्राइव भी होती तो थोड़ा बहुत इसमें जो चीज़ें हैं गेम्स हैं जो कि हैं वो फास्ट होते हैं। और दूसरी चीज़ ग्राफिक कार्ड इसमें नहीं है, तो जो आप ग्राफिक अभी आपको जो आपने गेम देखा तो उसमें कुछ चीज़ें जो है मतलब कि हल्का फुल्का आपको दिख रहा होगा, हाँ कि HD क्वालिटी में नहीं दिख रहा है। तो हालांकि इसकी स्क्रीन में HD क्वालिटी की होनी चाहिए थी, बट इसमें ग्राफिक कार्ड अगर होता तो और भी अच्छे तरीके से गेम्स इसको प्ले करने में और खेलने में आता, मज़ा आता। और दूसरी मतलब और भी चीज़ें बात की जाए इसकी, तो इसकी जो रैम है 4GB रैम है। अब जो भी आप लैपटॉप लेना है या फिर किसी को भी लेना है, मैं सजेशन दूंगा तो वो 8GB रैम या फिर उससे ऊपर के रैम ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। SSD ड्राइव नहीं है इसमें, 8GB रैम नहीं है इसमें, और बाकी जो भी चीज़ मैंने बताई आपको वो सती है। तो इसमें बस यही कुछ चीज़ें हैं जो उसमें नहीं है, बाकी ये मेरा लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। इसी से मैं एडिटिंग करता हूँ, इसमें सब कुछ सब चीज़ें चल जाती है मतलब आराम से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है मेरे को। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आई होप आप लोगों को
लैपटॉप के बारे में कुछ नई जानकारी मिली होगी, और मेरे लैपटॉप के बारे में पता चला किस टाइप का मैं लैपटॉप यूज करता हूँ, काफी सस्ता मिला था मुझे, काफी मतलब सही रेट पे मिल गया था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी 2018 में। प्लीज लाइक करो, शेयर को, सब्सक्राइब करो चैनल पर नए हो तो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि उन लोगों को पता चले कि हाँ लैपटॉप जब खरीदने जाएं तो बहुत से लोग फोन के बारे में तो पता होता है, लैपटॉप के बारे में लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, प्रोसेसर ज्यादा सही होना चाहिए, जितना आपको गेमिंग या फिर इंटरेस्ट हो या फिर चीज में, आपकी जो ग्राफिक कार्ड है वो अच्छा होना चाहिए, आपका SSD साथ में होना चाहिए, आपके सारे लैपटॉप में SSD होगा तभी मज़ा आएगा खेलने में, या फिर चीज़ें यूज़ करने वाला मज़ा नहीं आने वाला है, और आपकी रैम थोड़ी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, 8 GB रैम के ऊपर ही लैपटॉप है तो ज़्यादा सही रहेगा, या फिर 8 GB रैम तो ले ही ले, 4 GB रैम बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि बाद में अपडेट कराते हुए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।